राजेश सतपुते इस बीच में साथ जुड़ चुके हैं। राजेश शुक्रिया समय देने के लिए। समित चौहान भी हमारे साथ एंजल ब्रोकिंग से। समित आपका क्या टेक है, दो हफ्ते की गिरावट के बाद निफ्टी बैंक पे भी पुल बैक है आज, सस्टेनेबल है क्या? आज तो सरकारी बैंक्स आउट परफॉर्म कर रहे हैं निजी क्षेत्र के बैंक्स को। देखिए अगर दो तीन दिनों की बात करें तो यस ये सस्टेनेबल हो सकता है, क्योंकि देखिए ये जो हमने करेक्शन देखा है ये ग्लोबल मार्केट्स में करेक्शन आने के बाद इसका रब ऑफ इफेक्ट भी आते हुए देखा है। तो अगर डाउ जोन्स की बात करें तो एक अच्छी खासी रैली थी 13 से 14 महीनों में देखी थी 50% की, तो कहीं ना कहीं एक करेक्शन ओवरड्यू था और वो करेक्शन हमने देखा है जनरली नेचर उनका शार्प रहता है और वही हमने देखा हुआ है कि जो 3 महीने के यू नो जो अपमूव थी वो 3-4 दिनों में ही हमने पूरी एंगल्फ होती हुई देखी थी। तो कहीं ना कहीं वहाँ पे अभी भी आपको कंसोलिडेशन देखेगा, जैसे फ्राइडे को भी हमने अच्छी रिकवरी देखी थी, तो उसके चलते हमारे मार्केट में भी फॉर अ टाइम भी एक रिस्पाइट रहेगा। और अगर हम देखें तो हमें लगता है कि ये 200 से 250 पॉइंट के रेंज में ही रहेगा, ऊपर की तरफ 10650 ये एक दायरा रहेगा और लोअर साइड पर 10400 10350। तो ये रेंज में फिलहाल निफ्टी एटलीस्ट 2-3 दिनों के लिए कंसोलिडेट होगा। ओवरऑल अगर हम देखें तो ट्रेंड अभी बेरिश हो गई है, तो आपको ऊपर के लेवल वापस सेलिंग प्रेशर दिखेगा। तो यहाँ पे अगर 2-3 दिनों की रणनीति रखनी है तो स्टॉक स्पेसिफिक ही रखिए, जैसे राजेश जी ने भी बताया आपको इंडिविजुअल स्टॉक्स में थोड़ी रिलीफ लैली मिल सकती है। ठीक है, आज एक और अच्छी चीज हुई मार्केट के साथ, क्योंकि जो अर्निंग का प्रेशर था ना वो धीरे धीरे अब खत्म हो जाएगा। आज हो चुकी है 12 तारीख, ज्यादातर नंबर अपनी स्क्रीन पर आप देख भी पा रहे होंगे, बार बार हर 10 मिनट में किसी ना किसी कंपनी के नंबर आ रहे हैं। आज हमारी एक अर्निंग स्पेशल भी है 3:30 बजे, यानी कि बाजार बंद होने के बाद हिट और मिस आपको पता लग जाएगा इस बार का कौन सा रहा, कौन चल गया कौन फिसल गया, ये शेयर के बारे में पूरा ब्यौरा आपके सामने हम रखेंगे। ठीक, लेकिन अर्निंग वाले शेयर इस समय बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर एक बार जरा पहले एक शेयर पे आते हैं M&M पे। आज सुबह से नजर थी कि अर्निंग के बेसिस पर ये कहीं ना कहीं मोमेंटम दिखाएगा, लेकिन खत्म सा होता दिख रहा है, अब वापस लाल निशान में आ गया। समित क्या करना चाहिए, M&M नंबर्स तो ठीक थे, सुबह 2-2.5% ऊपर भी था, अब लाल निशान में है। देखिए बजट के दिन पे हमने ये स्टॉक में एक ब्रेकआउट देखा था 775-780 के लेवल से, बट वो कहीं ना कहीं उसके बाद लैक ऑफ फॉलो बाइंग की वजह से वो एक फॉल्स ब्रेकआउट कहा जाएगा, और उसके बाद स्टॉक ने कुछ ज़्यादा किया नहीं है, कंसोलिडेट हो रहा है। आज भी गैप अप ओपनिंग होने के बाद ऊपर के लेवल से इसमें प्रॉफिट बुकिंग आया हुआ है, तो ओवरऑल हमें लगता है कि ये स्टॉक में कभी कंसोलिडेशन फेज है वो कंटिन्यू रह सकती है थोड़े टाइम के लिए। नियर टर्म में 730-725 के इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल्स होंगे और ऊपर की तरफ 770 से लेकर 780 का एक दायरा रहेगा, तो हमें लगता है कि ये रेंज में ये स्टॉक फॉर अ टाइमिंग कंसोलिडेट होगा। बट अगर आप थोड़े ब्रॉडर पर्सपेक्टिव से देखें तो हर एक डिप ये स्टॉक में एक बाइंग अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए। अरे है समित, आप टाटा पावर में अगर ट्रेड लेंगे तो कैसे लेंगे, या लेंगे ही नहीं क्योंकि कमजोर नंबर तो आएंगे, क्या शॉर्ट करें इस पे फिर? देखिए टिम्पी, फर्स्ट ऑफ ऑल ये ट्रेडर्स फेवरेट काउंटर नहीं है, ये एक स्लो मूविंग काउंटर है, तो इसमें मेरे ख्याल से आपको ज़्यादा मोमेंटम ट्रेडिंग नहीं करना चाहिए, लो बीटा काउंटर है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ट्रेडिंग के लिए ये स्टॉक में सलाह ही नहीं देते, यस अगर बट अगर ओवरऑल हम थोड़े ब्रॉडर पर्सपेक्टिव से देखें तो स्ट्रक्चर थोड़ा पॉजिटिव है, हालांकि लास्ट कुछ दिनों में स्टॉक ने अच्छा करेक्शन दिया है और मे बी रिजल्ट के बाद अगर कुछ अनफेवरेबल आउटकम आता है तो थोड़ा और वो डिप दे दे, बट हमें लगता है कि अगर आपको 6-8 महीने का व्यू आप देख रहे हो तो हर एक डिप 80-78 ये अच्छी खासी बाइंग अपॉर्चुनिटी रहेगी। ओवरऑल स्टॉक का स्ट्रक्चर अच्छा है और थोड़ा ये लो बीटा काउंटर है वैसे मैंने बताया, तो आपको यहाँ पे ट्रेडिंग अवॉइड कीजिए, बट यस अगर आप मीडियम टर्म व्यू से इसको लेना चाहते हैं तो डेफिनेटली डिप्स पे बाय कीजिए। ठीक है, एक स्टॉक अभी में डिस्कस ही कर रहे थे, पिडिलाइट, एक बार समित आप ही स्ट्रक्चर देख के बताएं पिडिलाइट कैसा लग रहा है सर चार्ट्स पे? ये बहुत ही स्लो मूवर है पर एकदम से पिछले कुछ 10-15 मिनटों में खरीदारी हुई और दिन के उच्चतम स्तर पे आ गया, 1.5% की तेजी बनी। देखिए ये कंसोलिडेट कर रहा है स्टॉक एक रेंज में, एक अच्छी खासी रैली इसने लास्ट 1.5-2 सालों में देखी हुई है, तो कहीं ना कहीं सम काइंड ऑफ ब्रीदर वाज ऑन कार्ड्स, तो हमें दिख रहा है कि लास्ट 3-4 वीक से ये स्टॉक कंसोलिडेट हो रहा है। यस थोड़ा बहुत करेक्शन आया था तो जो उसके नियर टर्म की मूविंग एवरेजेस से अराउंड 840-850 के आसपास वहीं से इसमें रिकवरी आ रही है, तो अगर कोई ब्रेकआउट लेवल मुझे इसमें देखना है तो 903 से लेकर 905 का एक रेजिस्टेंस रहेगा, वो लेवल अगर ब्रेक करता है तो स्टॉक में एक अच्छा खासा मोमेंटम ट्रिगर हो सकता है।
सकता है, तब तक ये रेंज कंटिन्यू रहेगी 905 ऑन दी हायर साइड, लो साइड पे 868। छुट्टी वैसे खड़ी है, शॉर्ट्स अगर थोड़े से ट्रैप हो गए 500 वाले पुट के अंदर जो आज इंडिकेशन मिल रहा है 10,500 के पुट से, तो शायद आपको मार्केट के अंदर नए लेवल 700-750 तक के लेवल पे मिल जाएंगे। तो थोड़ा कॉशियसली ट्रेड कीजिए फिलहाल मार्केट के अंदर, लेकिन हाँ सावधानी तो आपको रखनी पड़ेगी, स्विंग के लिए आपको तैयार होना पड़ेगा। कुछ और सौदों पे आते हैं, एक बार येस बैंक का पुल बैक भी देखते हैं। समित, आप येस बैंक पे अभी सौदा खड़ा करेंगे? ये बहुत तेजी से टूटा था बजट के बाद, लेकिन अब थोड़ा सा संभाल रहा है और पुल बैक साइन दे रहा है, येस बैंक पे ट्रस्ट करें आज? देखिए, ये कॉरिडोर ऑफ अनसर्टेनिटी के आसपास ही है। अगर हम देखें तो 320 का इसका जो लेवल है, ये नियर टर्म में एक मेक और ब्रेक लेवल होगा, उसके नीचे हम अच्छा खासा एक नोज ड्राइव देख सकते हैं इसमें। तो फिलहाल तो ये स्टॉक में एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट के आसपास है, तो यहाँ से अगर यहाँ पे अगर किसी को बाय कॉल लेना है तो एक लो रिस्क बाय कॉल होगा, जिसमें आप 320 के आसपास आप एक सपोर्ट मान के चलिए, जो आपके ट्रेड के लिए स्टॉप लॉस रहेगा। और ऊपर की तरफ ये स्टॉक वापस एक बाउंस बैक टूवर्ड 345-350 दे सकता है। तो यहाँ पे रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो उतना फेवरेबल नहीं होगा फ्रेश बाइंग करने के लिए, बट अगर आपने लिया हुआ है तो डेफिनेटली फिलहाल तो 320 जब तक ब्रेक नहीं होता तब तक ये स्टॉक में बने रहिए। खैर, अभी 3 बजे हैं, लेकिन मेरे सहयोगी अंशु मेरे साथ हैं जो कि गेस्ट कोऑर्डिनेशन में काम करते हैं। उन्होंने एक कल बड़ा इंटरेस्टिंग मैसेज भेजा है, बॉलीवुड के स्टाइल में था, मैं जरा 2 लाइन आपको बता दूं। उसमें था कि मेरे करण अर्जुन जरूर आएंगे, वो करण अर्जुन है सेल और भेल, सेल तो आ गया लेकिन भेल की बारी है, अच्छा चल रहा है। एक और भी उन्होंने बड़ा इंटरेस्टिंग भेजा था कि तारीख पे तारीख इंसाफ कब मिलेगा, ये था ITC के लिए, ये सबसे चीपेस्ट शेयर है, तारीख पे तारीख मिल रही है लेकिन इंसाफ नहीं मिल रहा जस साहब, ये ITC पे है। और एक बड़ा एक और बात है, वो है डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है, वो है मारुति के लिए, जो पिछले साल उसने दिखाया मूव और आज मारुति फिर से पकड़ में नहीं आ रहा, ये 9000 के ऊपर फिर से आके ट्रेड कर रहा है। तो समित, ये डॉन को पकड़ा जाए कि नहीं पकड़ा जाए, मारुति को क्या किया जाए? देखिए, मारुति को आप ट्रेडिंग के लिहाज से मत देखिए, ये स्टॉक ऐसे है जो आपके पोर्टफोलियो में रखना चाहिए। अगर हम लास्ट 2-3 सालों की इसकी प्राइस एक्शन देखें, कोई भी माइनर डिप आती है ये स्टॉक में, जो मेरे ख्याल से 4 या 5% से ज़्यादा इसमें करेक्शन नहीं आता है, वो करेक्शन भी आता है तो वहाँ से इमीडिएटली ये स्टॉक यू टर्न लेता है और वहाँ पे उसकी जो रैली है एक रिलेंटलेस रैली अभी भी कंटिन्यू है, और ये प्रॉब्ली और कंटिन्यू हो सकती है। थोड़ा बहुत बीच में आपको हिकअप्स मिलेंगे, बट अगर आपको आपका पोर्टफोलियो अगर बिल्ड करना है तो ये स्टॉक आपके डेफिनेटली पोर्टफोलियो में होना चाहिए। टाइम मत कीजिए, हर एक डिप ये स्टॉक के लिए एक बाइंग अपॉर्चुनिटी, ठीक है, मारुति में हर डिप का इस्तेमाल करते हुए खरीदारी कीजिए, क्योंकि ये अगर आपकी पकड़ में आ गया सही रेट पे तो ये ज्यादा समय नहीं लेगा आपको प्रॉफिट दिलवाने के लिए भी। फ्रंटलाइन काउंटर, कंजम्पशन का क्लियर थीम और 11,000 तक की रिपोर्ट्स लगातार मार्केट में भी है। खैर, फाइनल बैट हम थोड़ी देर में आपके सामने रखेंगे, लेकिन एक और शेयर है जो कि मोमेंटम में है, वो है BHEL। समित, क्या BHEL को रखें? देखिए, BHEL ओवरऑल एक रेंज में है, हम देख रहे हैं कि लास्ट अगर 3-4 महीनों की इसकी प्राइस एक्शन देखें, ये स्टॉक में कहीं ना कहीं एक लो लेवल से लाइफ दिखती है, बट इमीडिएटली आपको कोई भी फॉलो अप बाइंग इसमें दिखती नहीं है, उसके चलते ये स्टॉक में वापस आप फॉल्स ब्रेकआउट देखते हैं और इसमें जो करेक्टिव मूव है वो कंटिन्यू रहती है। सो उतना कन्विक्शन के साथ ये स्टॉक में ट्रेड नहीं लेना चाहूँगा। यस, 2-3 दिनों से अच्छा रिकवर हुआ है, बट अभी भी उसकी जो रेंज है वो कंटिन्यू रहेगी, ऊपर की तरफ 105-108 के रेजिस्टेंस होंगे, लोअर साइड पे 85-88 के स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहेंगे, तो हमें लगता है कि ये रेंज में ये स्टॉक की जो मूवमेंट है वो कंटिन्यू रहेगी। तक का मूव दिख रहा है। मैं 3 फ्रंटलाइन में से किसी एक शेयर के साथ BTST करना चाहता हूं। समित, किसके साथ किया जाए, मारुति के साथ, रिलायंस के साथ या फिर HDFC के साथ, एक के साथ होगा? देखिए, ये स्टॉक तीनों स्टॉक्स में से अगर कोई एक स्टॉक पिक करना है BTST के लिहाज से तो मेरे ख्याल से मारुति होगा, ऑल्दो ये हम ट्रेडिंग स्टॉक नहीं मानते। आज मोमेंटम है तो ऊपर की तरफ आपको यहाँ से थोड़ा बहुत अपसाइड मिल सकता है, 9200 के आसपास ये स्टॉक आने वाले 1 या 2 दिनों में टेस्ट कर सकता है। तो अगर मुझे ये 3 स्टॉक्स में से कोई पिक करना है तो मारुति, जिसमें स्ट्रेंथ काफी ज्यादा। समित, आपके रडार पर कौन से स्टॉक्स हैं जहां पर आप एडवाइस करेंगे BTST भी, चलिए अगले सत्र के लिए, जहां पर एक अच्छा पुल बैक विजिबल है चार्ट्स पे?
देखिए कैंपेन होम हमें अच्छा लग रहा है। ये स्टॉक की जो आज की हमने रिकवरी देखी है काफ़ी ज़्यादा इंकरेजिंग है, और स्टॉक ने एक कंसोलिडेशन में से डाउनवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन का एक ब्रेकआउट आज कंफर्म किया हुआ है। कैश सेगमेंट में वॉल्यूम्स भी अच्छे खासे इसमें पिकअप हो गया है, तो इसमें ये हम एक फॉलोअप मूव देख सकते हैं। यह स्टॉक का पोटेंशियल है एटलीस्ट नेक्स्ट 2-3 दिनों में ये स्टॉक 509 से लेके 516 के लेवल्स टेस्ट कर सकता है, तो ये हमारे ख्याल से एक एक पोटेंशियल बीटीएसटी कैंडिडेट है। समित, मिड कैप कैटेगरी के किसी के फ्यूचर में कोई पोजीशन लेंगे? ब्रिटानिया का फ्यूचर भी है, अमेरिको का भी अवेलेबल है। देखिए ओवरऑल अगर ब्रिटानिया की बात करें तो ये स्टॉक ने एक रिसेंटली थोड़ा बहुत एक कंसोलिडेशन दिखाया, हालांकि लास्ट 3-4 दिनों से ये स्टॉक ने अच्छी रिकवरी दी थी। लास्ट वीक इसमें ऐसे इंडिकेशंस थे कि ये स्टॉक में करेक्शन और गहरा सकता है, बट बहुत ज़्यादा देर ये उसके इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल्स के नीचे रहा नहीं है, और वापस हमने एक अच्छा खासा पॉजिटिव ट्रैक्शन इसमें देखा हुआ है। स्टॉक इज ऑन द वर्ज ऑफ गिविंग अ ब्रेकआउट, तो रादर हम वेट करेंगे ये ब्रेकआउट होने के लिए। आज तो ये क्लोजिंग ट्रेड में उसको देखना थोड़ा डिफिकल्ट होगा। कल अगर ये स्टॉक 4,800 के ऊपर सस्टेन रहता है तो डेफिनेटली एक पोटेंशियल कैंडिडेट है, 4,940-4,960 के लेवल्स फिर ये दिखा सकता है। विजय ने एक और शेयर है REC, ये बार बार मेरी नज़र में आ रहा है क्योंकि इसका पुलबैक हमको बहुत स्ट्रांग मिलता है, आज भी 2.5% ऊपर है, ये अच्छी क्लोजिंग करके जा रहा है। समझ इसके फ्यूचर्स में आपको कुछ इंटरेस्टिंग डाटा दिख रहा है? अगर है इंटरेस्टिंग तो लेंगे, नहीं तो फिर छोड़ रहे हैं। REC आज के मूव को छोड़ देंगे 2-2.5% के। देखिए ओवरऑल ये स्टॉक में हमने कंसोलिडेशन देखा, और कंसोलिडेशन में हमने मिक्स पोजीशंस दिखे, लॉन्ग और शॉर्ट, ज़्यादा कुछ हैवी नहीं है फिलहाल तो ये, बट आज थोड़े बहुत इसमें लॉन्ग्स ऐड होते हुए दिख रहे हैं, तो डेफिनेटली एक पोटेंशियल कैंडिडेट है क्योंकि इसको 135-140 का अच्छा सपोर्ट भी है और वहीं से ये रिकवरी दे रहा है। बट एक दिन में इसको जज करना थोड़ा डिफिकल्ट है, मेरे ख्याल से आप वेनसडे के लिए रुकिए। अगर वापस आप फॉलोअप बाइंग देखते हो, अच्छे खासे लॉन्ग इसमें ऐड हो रहे हैं, और स्टॉक ये 148-149 का दायरा अगर ब्रेक करता है तो इसमें एक मोमेंटम आता है। समित, आज टाटा ग्रुप के समूह के जो स्टॉक्स हैं ना, टाइटन हो गया, टाटा स्टील, कम्युनिकेशन, ग्लोबल, इन सभी स्टॉक्स में अच्छी खरीदारी देखने को मिल रही है। इस समूह में सबसे स्ट्रॉन्गली आपको कौन सा लगता है जो चार्ट्स जहां पर अभी भी तेजी बन सकती है? सर देखिए इसमें थोड़ा हम एक कॉन्ट्रा कॉल लेना चाहेंगे, टाटा मोटर्स काफ़ी एक करेक्शन के बाद इसके इम्पोर्टेंट सपोर्ट्स के आसपास ट्रेड हो रहा है, 360-370, यहाँ पे अगर ये स्टॉक 375 के लेवल्स अगर ब्रेक करता है तो ये स्टॉक में एक अच्छा खासा मोमेंटम आप देख सकते हो। जो रिसेंट हमने करेक्टिव मूव देखा है उसके बाद ये स्टॉक में एक थोड़ा शॉर्ट कवरिंग मूव भी आ सकता है, तो डेफिनेटली हम टाटा मोटर्स को क्लोजली ट्रैक करें। यस, बाकी टाटा स्टील की बात करें तो टाटा केम की बात करें, उन्होंने अच्छा बाउंस बैक दिया है, बट अभी ये लेवल पे हमें अगर कोई लो रिस्क ट्रेड देखना है तो डेफिनेटली हमारी क्लोज आए टाटा मोटर्स और टाटा मोटर DBR पे रहे। चार ही बंद होते हुए देखिए, कहीं ना कहीं गेन ज्यादा बड़ा, किसी में कम किसी में ज्यादा, लेकिन गेन ही देखने को मिला। समित, आज की क्लोजिंग पर आपका क्लोजिंग कमेंट। देखिए क्लोजिंग तो मोर ऑर लेस इन लाइन ही है, ज़्यादा कुछ बड़ी मूवमेंट अब मार्केट में इंडेक्स स्पेसिफिक हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। जैसे मैंने ओपनिंग रिमार्क्स में भी बताया था कि ये कंसोलिडेशन फेज़ है और ये फेज़ और थोड़ा कंटिन्यू हो सकता है 2-3 दिनों के लिए। 150-200 पॉइंट की रेंज है इंडेक्स के लिए, तो वही आपको देखनी है, बट विद इन दिस आपको इंडिविजुअल स्टॉक्स में थोड़ा बहुत रिलीफ रैली मिलेगा। आपने देखा आज ब्रॉडर मार्केट में हम अच्छा खासा ट्रैक्शन देख रहे हैं, तो आने वाले 2 दिनों के लिए भी ये थीम कंटिन्यू रहेगी। ओवरऑल आपको इंडेक्स में अभी एक कंसोलिडेशन 2-3 दिनों पे देख सकता है। समय शुक्रिया आपका आज कार्यक्रम में जुड़ने के लिए, पार्टिसिपेट करने के लिए। विजय आपका भी